दोस्तों डी आर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल अप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ देखिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में आ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है डिटेल से नहीं लिखा हुआ ना ही टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो उम्मीद यही लगती है कि सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंपल मैथमेटिक्स के और इसके अलावा कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो कैलकुलेटिव हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं ठीक है बाकी आपके एग्ज़ाम में क्योंकि ड्राइवर का एग्ज़ाम है टेंथ पास उसमें पूछा गया है तो मतलब सिंपल से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं पिछली बार का अगर पैटर्न उठा के देखें तो उसमें सिर्फ दो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे लेकिन अब की बार भाई देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पिछली बार पचास क्वेश्चन थे अब की बार अस्सी क्वेश्चन हैं तो उम्मीद यही है कि मैथमेटिक्स uh, और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी आठ से दस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं आपको जो फुल मॉक टेस्ट देता हूं उसमें दस क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम दिए हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों इंक्लूड करके दे दिए कि अगर एग्जाम में पूछे गए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अब इसको आप खुद एक बार सोल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके और अगर आपको फिर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आगे सॉल्यूशन करके देखना ठीक है चलिए अभी उम्मीद करता हूँ कि आपने या तो निकाल लिया होगा और नहीं निकाला है तो आप सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक परीक्षा में चौंतीस प्रतिशत छात्र गणित में और बयालीस प्रतिशत अंग्रेजी में असफल रहे यानी फेल हो गए यदि बीस प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं अब यहाँ पे हमें फेल की वैल्यू दी गई है और कौन सी देखो सबसे पहले चौंतीस प्रतिशत छात्र गणित में तो यानी मैथ में फेल जो है उसकी संख्या दे दी कितनी है चौंतीस प्रतिशत ठीक है ओके okay. उसके बाद यहां पे भी फेल की दी है अंग्रेजी में ठीक है इंग्लिश में बयालीस प्रतिशत ये भी फेल हैं और यहां पे दोनों विषयों में इंग्लिश में और मैथ में दोनों में फेल की जो क्वांटिटी बताई है वो बताई है बीस प्रतिशत यानी दोनों के अंदर बीस प्रतिशत जो कैंडिडेट्स हैं यानी छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए तो कह रहा है कि पास कैंडिडेट हैं वो कितने थे ये बताना है पास हमसे पूछा है अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमें भाई ये तो ध्यान कर लेनी है कि भाई जब फेल फेल ही दे रखा है तो पास हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ऐसे क्युशंस में यहाँ पे मैथ में चौंतीस प्रतिशत फेल हुए हैं और इंग्लिश में बयालीस प्रतिशत फेल हुए हैं इन दोनों को जोड़ दो भाई चौंतीस और बयालीस कितने हो गए यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको चार और दो छः और चार और तीन सात छिहत्तर अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि मैथ और इंग्लिस में अगर अगर अलग अलग देखें तो छिहत्तर जो कैंडिडेट्स यानी छिहत्तर प्रतिशत जो कैंडिडेट हैं वो फेल हुए हैं लेकिन दोनों में दोनों विषयों में बीस प्रतिशत कैंडिडेट फेल हुए हैं तो ये बीस हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो हमें ये बता देगी कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनमें से फेल कितने हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गई छप्पन आ गई ना वैल्यू भाई छिहत्तर में से बीस माइनस करेंगे तो छप्पन परसेंट uh, वैल्यू आ गई अब ये वो वैल्यू है जो दोनों विषयों में नहीं ओवरऑल जितने भी फेल हुए हैं वो पता चल गया अब पूछे कि दोनों विषयों में पास कितने हैं अब ये तो है फेल ठीक है फेल आ गए टोटल अब यहां पे पास की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जो टोटल 100 प्रतिशत कैंडिडेट थे उसमें से माइनस कर दो छप्पन प्रतिशत को तो हमारे पास आके निकल के कितनी आ जाएगी 100 में से छप्पन माइनस कर दो तो यहां से चार और नौ बचा नौ में से पांच गया कितना बचेगा चार चौवालीस प्रतिशत कैंडिडेट हैं जो पास हुए हैं तो ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये एक छोटा सा पैटर्न था बिल्कुल आसान सा ही था पहले क्या करना है आपको जो अलग अलग फेल दिए गए हैं यानी मैथ में चौंतीस प्रतिशत फेल थे इंग्लिश में बयालीस प्रतिशत फेल थे उनको जोड़ देना है ठीक है अलग अलग जो फेल थे तो टोटल कितने फेल हुए हैं बीस प्रतिशत यानी मैथ और इंग्लिश में मिला करके तो इन दोनों को जोड़ दो और फिर बीस माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा छप्पन प्रतिशत ये छप्पन प्रतिशत वो वैल्यू है जो टोटल फेल हुए हैं ठीक है ठेके? और फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं सौ में से माइनस कर दो छप्पन को तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी चौवालीस प्रतिशत तो यानी चौवालीस प्रतिशत हमारा आंसर सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सबसे पहले खुद करना है और जब खुद से नहीं होता है तो फिर आगे सोल्यूशन देखना है तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि या तो आपने सोल्व कर लिया होगा अगर सोल्व नहीं किया है तो आगे सोल्यूशन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है यदि सफल उम्मीदवारों के औसत अंक यानी क्या है यहाँ पे उनतालीस है और असफल जो उम्मीदवार हैं उनके हैं पंद्रह तो परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू दे दी ठीक है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120. अब यहां पे बताया गया है कि उनके औसत अंक 35 हैं, यानी एवरेज जो अंक है न, है ना वो 35. लेकिन उसमें से पास जो उम्मीदवार हैं, हैं, यानी जो पास ठीक है उनके औसत जो अंक है वो है उनतालीस और यहां पर फेल जो हैं, यानी असफल ठीक है एसफल, उनके जो औसत अंक हैं वो है पंद्रह लेकिन ओवरऑल कितने थे ओवरऑल ओवरऑल थे 35 यानी जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 35 पास जो कैंडिडेट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स हैं उनतालीस और फेल हैं उनके हैं पंद्रह अब ये जो पैटर्न है ये हमें निकालना किस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे जो सफल उम्मीदवार हैं उनकी संख्या पूछी है तो हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे एलिगेशन से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा देखो यहाँ पे पास के जो एवरेज मार्क्स बताए वो बताए उनतालीस यहाँ पे फेल जो कैंडिडेट्स थे उनके एवरेज मार्क्स हैं वो बताएं हमें पंद्रह तो हमें क्या करना है हमें एलिगेशन मेथड लगा लगाना है और यहाँ पे जो ओवरऑल इनकी एवरेज मार्क्स मार्किंग थी वो हमें बीच में लिख देनी है और यहाँ पे माइनस कर देना है यानी जितना भी माइनस हो रहा है तो वो हमें माइनस करके इसमें से ये माइनस करके इधर लिख देना है और ये जो माइनस है ये करके इधर लिख देना है तो यहाँ पर पैंतीस में से पंद्रह माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू निकल के बीस और यहाँ पर उनतालीस में से पैंतीस माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आ गई चार ठीक है अब हमें यह दिख रहा है कि यहाँ पे पास जो कैंडिडेट हैं और फेल जो कैंडिडेट हैं उनका रेशो हमारे पास निकल के आ गया अब इनको जितना काटना है उतना काट सकते हो अब इसको काट देते हैं काटेंगे जब देखो यहां पे कट गया चार पांचों पीस और यहां पे चार एकम चार रेशो हमारे पास आ गया पांच रेशो एक का ठीक है अब यहाँ पे अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे सफल व्यक्तियों की पूछी है ना तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वैल्यू निकल के आ गई यानी पांच तो कैंडिडेट्स हैं पास और एक है फेल क्योंकि इस साइड में रेशियो निकल के आए ना एक का तो यहाँ पे पाँच तो पास हैं और एक फेल है टोटल कैंडिडेट्स कितने पाँच और एक छः लेकिन यहाँ पे छः नहीं है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वैल्यू है 120 तो छः एक छः को बराबर रख देंगे 120 के एक अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 ठीक है तो हमारे पास जब एक की वैल्यू 20 आ गई तो हम यहाँ पे रेशो में पुट कर सकते हैं जब एक की वैल्यू बीस है तो यहाँ पे रेशियो में जब एक है तो हम ये समझ सकते हैं कि फेल जो कैंडिडेट्स थे वो थे बीस और बच गए एक सौ बीस में से जब बीस माइनस कर देंगे तो जो सौ कैंडिडेट बचे वो थे पास अब यहाँ पे एक चीज़ देखो जब हम एक की वैल्यू निकालते हैं बीस यहाँ से तो पाँच की वैल्यू निकाल सकते हैं पाँच से गुना कर देंगे तो भी डायरेक्टली सो आ जाएगा और अगर जब हमारे पास एक एक की वैल्यू बीस आ गई तो टोटल तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे एक सौ बीस जब उसमें से 20 की वैल्यू निकाल देते हैं हम यानी 20 निकाल देते हैं तो बच गया 100 तो 100 पास थे तो यही तो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे पास की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे फेल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पास जो कैंडिडेट्स थे वो कितने थे सो थे तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो दोबारा से समझा देता हूँ देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ इसको देखो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 120 यानी कुल जो उम्मीदवार हैं यानी स्टूडेंट्स हैं वो है 120 अब यहाँ पे कह रहा है कि ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स हैं उनके वो है 35 लेकिन यहाँ पे सफल यानी पास जो कैंडिडेट्स हैं उनकी उनके जो मार्क्स हैं वो हैं उनतालीस और फेल जो है उनके एवरेज मार्क्स हैं पंद्रह तो यहाँ से हम पास लिख देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं फेल ठीक है पास जो कैंडिडेट हैं ठीक है थीके? उनके एवरेज मार्क्स हैं उनतालीस और फेल हैं उनके एवरेज मार्क्स से पंद्रह लेकिन ओवरऑल कितने हैं पैंतीस अब यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे ठीक है एलिगेशन लगाएंगे तो पैंतीस में से पंद्रह माइनस का घटा देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा बीस और उनतालीस में से पैंतीस माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा चार ठीक है तो अब काट देंगे आगे काटेंगे तो यहाँ से चार पाँच जो बीस और चार एकम चार ठीक है पाँच रेशो एक का रेशो निकल के आ गया यानी पाँच कैंडिडेट पास हैं और एक कैंडिडेट फेल है ये रेशो के अंदर है लेकिन रेशियो के अंदर दोनों कैंडिडेट्स को जोड़ दें पास और फेल को तो वैल्यू निकल के आ रही है छह यहां पे छह टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है यहां पे है 120 तो 120 जब छह के बराबर रखेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 20 ठीक है और रेशियो के अंदर पुट कर देंगे ठीक है जब हम रेशियो के अंदर पुट करेंगे तो जब एक की वैल्यू 20 है तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना कर देंगे बीस से तो सो आ जाएगी तो इसलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको क्या करना है एक बार पॉज करना है वीडियो को ठीक है रोकनी है वीडियो को उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे अगर नहीं आता है फिर आगे सोल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संख्या को जब 221 से विभाजित किया जाता है तो सेसफल जो है यानी रिमाइंडर जो है वो 64 प्राप्त होता है चौंसठ बचता है यदि उसी संख्या को तेरह से विभाजित किया जाए तो सेसफुल क्या होगा अब ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं देखो जब भी आपको पूछे कि उसी संख्या से ठीक है जब भी ऐसा देख भाई रिमाइंडर ये बच गया जो रिमाइंडर बच रहा है उसी संख्या को हम इस चीज से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है यहां पे आपको शुरू की जो वैल्यू वो छोड़ देनी है पीछे की दो वैल्यू उठा लेनी है भाई जब बता रहे हैं भाई फोर पहले रिमाइंडर बच रहा था ठीक है अब उसी संख्या को जब तेरह से भाग देंगे आपको क्या करना है जो रिमाइंडर बच रहा था तो उसको बाद की संख्या से विभाजित करने के लिए बोल रहे हैं तो उससे ही भाग दे दो तो यहां पे तो कह रहा है कि जब शेष बच रहा था चौसठ यानी रिमाइंडर बच रहा था चौंसठ लेकिन अब उस संख्या को तेरह से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा तो आपको क्या करना है जो रिमाइंडर बचा उसी को जिस संख्या से विभाजित करने के लिए बोल रहे करवा दो तो यहाँ से हम करेंगे तेरह पाँच पैंसठ पांच पे तो नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे तेरह चौका बावन ठीक है तेरह चौगा बावन चार पे चला गया अब देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है तो यहां से चार में से दो गया दो बच जाएगा और छह में से पांच गया एक बच जाएगा अब देखो आगे भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि तेरह बड़ी वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास जो सेसफल रिमाइंडर बचा तो वो बच गया बारह और यहीं इसका आंसर होगा ठीक है तो जो संख्या है जिसको हम तेरह से विभाजित करवाएंगे तो उसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा फिर बारह बचेगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भी ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है कि संख्या को 20 प्रतिशत बढ़ाया जाता है और फिर 20 प्रतिशत कम किया जाता है तो अतः वह उस संख्या क्या है ठीक है इनमें से कह रहा है कि चार प्रतिशत की कमी होगी उस संख्या के अंदर बिल्कुल नहीं बदलेगी जीरो की कमी होगी या फिर चार बढ़ेगा देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर जब समान वैल्यू दी गई है यानी बीस तो बढ़ाया जा रहा है और बीस कम किया जा रहा है तो आप बीस प्रतिशत को ही उठा लो बीस परसेंट का मतलब क्या है बीस बटे सौ ठीक है बीस बटे 100 लिख लिया यहां पे जीरो से जीरो काट दो दो, दो, दो पाँच दस यानी बीस प्रतिशत की वैल्यू होती है एक बटे पांच सही बटे में लिखते हैं तो ठीक है तो यहां पे बीस प्रतिशत का मतलब क्या है एक बटा पांच यानी पांच जो है पांच का बीस प्रतिशत एक होता है तो अब यहां पर यह कह रहा है कि एक संख्या है उसमें बीस प्रतिशत पहले बढ़ाया जाता है और फिर बीस प्रतिशत कम किया जाता है यानी जो है वो हम संख्या मान सकते हैं ये संख्या है जब उसका बीस प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है तो यानी बढ़ाया जा रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और फिर दोबारा कह रहा है कि बीस प्रतिशत कम किया जा रहा है यानी पांच जो वैल्यू थी उसमें एक की कमी की जा रही है क्योंकि पांच का बीस प्रतिशत तो होता है एक तो यानी पहले पांच वैल्यू थी उसका एक जो है वो कम कर दिया गया बीस प्रतिशत कम कर दिया गया तो वैल्यू बन जाएगी चार अब यहां से क्या कर दो इन दोनों की गुना करवा दो इन दोनों की गुना करवा दो पाँच पाँच पच्चीस और छः चौका चौबीस तो यानी पहले जो वैल्यू पच्चीस थी वो अब हो गई चौबीस अब यहाँ से इन दोनों का क्या निकाल लो परसेंट में कमी या ज़्यादा जो भी हुआ है वो निकाल लो देखो पहले पच्चीस थी अब हो गई चौबीस कितने का डिफरेंस आया एक का ये एक आ गया डिफरेंस एक की कमी हो रही है अब ये कितने पे कमी हो रही है पच्चीस पे और परसेंटेज निकालने के लिए गुना करवा दो सौ से तो यहाँ से निकल के आ जाएगा पच्चीस चौका सौ यानी चार प्रतिशत की कमी हो रही है यही इसका राइट right आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देख लो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत ही ईजी पैटर्न था ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं question है कि दो संख्याएं एक्स और वाई तीसरी संख्या से क्रमशः बीस प्रतिशत और पचास प्रतिशत अधिक है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है बस जनरली ये पूछा है कि एक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है देखो यहां पे हमें एक्स वैल्यू दे रखी है वाई वैल्यू दे रखी है लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं पता हमें ठीक है यानी तीसरी संख्या से क्रम से वो कितना है बीस प्रतिशत और पचास प्रतिशत अधिक है तो हम ये मान सकते हैं कि जो जेड है वो कितना है सो ये हम मान लेते हैं ये लेट करते है, मानते हैं अब ये कह रहा है कि इस तीसरी संख्या से जो एक्स है वो तो बीस प्रतिशत क्या है बीस प्रतिशत अधिक है तो यानी ये जब जेड है तीसरी संख्या वो सो है तो यहां से बीस अधिक यानी एक्स कितना है एक और जो वाई है ठीक है वो इस Z से कितना है 50 प्रतिशत अधिक है तो यानी 100 से जब 50 प्रतिशत अधिक होगा तो ये संख्या कितनी मानी जाएगी 150 लेकिन यहां पे हमें जब एक्स वाई जेड मिल गया तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं यहां पे पूछा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है एक्स जो है ये एक ये वाई का यानी डेढ़ का कितना प्रतिशत है तो एक सौ का ठीक है जब हम जिसके ऊपर वो वैल्यू निकालते हैं तो उसको ऊपर रखते हैं जिस पे निकाल रहे हैं वो नीचे रखते हैं तो ये जो 120 एक 150 का कितना प्रतिशत गुना सो कर देंगे जीरो से जीरो कट गया ठीक है पांच दिया पंद्रह पांच दूनी दस ठीक है तीन सौ का ये हो गया चालीस तो चालीस दूनी अस्सी अस्सी प्रतिशत जो है वो है 120 है वो डेढ़ सौ का कितना प्रतिशत है अस्सी प्रतिशत है ठीक है तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी अस्सी और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आया बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन था ये भी लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आप करके आओगे तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे फिर जल्दी जल्दी में गलत करके आओगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में वहीं आपको सबसे पहले पॉज करनी है वीडियो को ठीक है उसके बाद खुद सोल्व करना है क्वेश्चन नहीं आता फिर आगे सोल्यूशन देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक राशि प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर बी दो वर्ष में पाँच हो जाती है और तीन वर्ष में पाँच हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है और ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है जब भी आपसे परसेंटेज यानी दर में पूछ दर पूछे तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी अमाउंट दिया गया है उनका डिफरेंस यानी 500 और 540 का डिफरेंस कितने का यानी अंतर कितने का है तो चालीस रुपये का ठीक है गुना में सो कर देना है और जो पहले वैल्यू है ये पाँच ये नीचे लिख देनी है जो पहले वाली अमाउंट होती है वो अब इसको काट दो दो जीरो से दो जीरो ठीक है कट गया और पाँच आठ चालीस यानी आठ प्रतिशत जो रेट है वो लगेगी ठीक है रेट यानी दर ये या आंसर हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है क्या करना है मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ अगर ध्यान रहेगा तो देखो जब भी आपको ब्याज की दर ब्याज की दर पूछें परसेंटेज में तो आपको क्या करना है यानी दोनों दो uh, अमाउंट है का अंतर गुणा में सो और यहां पे भाग में कर देना है पहली संख्या पहली संख्या या पहली अमाउंट या अमाउंट अब देखो यहां पे क्या किया था मैंने दोनों संख्याओं का अंतर कितना था 500 और 540 यानी 540 सौ चालीस माइनस पांच गुना में क्या किया था सो और बटे में क्या किया था पहली वाली संख्या यानी 500 तो यहां से निकल के आ जाएगा 40 गुना में 100 बटे दो जीरो से दो जीरो कट गई और पांच आठ चालीस ये आंसर आ जाएगा आठ प्रतिशत ठीक है करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी संख्या जिसे बारह पंद्रह बीस और चौवन से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में आठ सेस बजता है तो संख्या क्या है देखो अगर यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता कि यहां पे 12, 15, 20 और चौवन से विभाजित होने वाली संख्या इनमें से कौन सी है तो आप आराम से क्या निकाल देते एलसीएम निकाल देते ठीक है एलसीएम लघुतम समापवर्तक लेकिन जिसको शॉर्टकट में लेस भी बोल देते हैं लेकिन यहां पे क्या कर दिया कि आठ है तो शेष तो जब बचेगा जब उसमें एक्स्ट्रा संख्या होगी वो तभी तो शेष रिमाइंडर बचता है तो यानी हम ये कर सकते हैं कि बारह पंद्रह बीस और चौवन का एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें प्लस क्या कर देंगे फिर आठ कर देंगे ये आपको आठ प्लस में करना ही करना है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो यहां से एलसीएम निकाल लो ठीक है एलसीयम निकालने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं लेकिन अपना देसी तरीका आपने अपना, अपना ना बहुत ही बढ़िया तरीका है ये यह। यहाँ से कर दो तीन पे जाएगा तीन चौक बारह तीन पाँचों पंद्रह बीस तो एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ से अठारह तैया चौवन उसके बाद यहाँ पे दो से कर लो दो 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 नीचार पाँच दस हो गया और यहाँ से नौ उसके बाद यहाँ से फिर से दो से कर लो ठीक है एक हो गया पाँच हो गया यहाँ से पाँच हो गया और नौ हो गया उसके बाद पाँच से कर लो एक पाँच सॉरी एक रह जाएगा एक और नौ अब यहां से कर लो आगे ठीक है तो यहां से तीन दूनी छः छः दूनी बारह बारह पाँच साठ साठ और नौ हो जाएंगे कितने पाँच सौ चालीस नौ छंग चौवन अब पाँच सौ चालीस हमारे पास एलसीएम आ गया किसका बारह पंद्रह बीस और चौवन का अब मैंने आपको बोला था इसमें क्या करना है आपको प्लस आठ करना है तभी तो रिमाइंडर बचेगा अगर पाँच सौ चालीस कर दिया तो ये तो सभी से भाग हो जाएगा रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं लेकिन अब इसमें हमें ऐड करना है आठ को तो यहाँ से संख्या आ जाएगी पाँच सौ अड़तालीस और यही सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है पहले निकालना है और फिर उसके बाद आपको ऐड कर देना आठ जब शेष बच रहा है ना तो शेष का मतलब यही है कि रिमाइंडर बच गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दस रुपये में सात की दर से पेन खरीदता है और उन्हें चालीस प्रतिशत लाभ में बेच देता है एक ग्राहक दस रुपए में कितने पेन प्राप्त कर सकते हैं बहुत ईजी सा क्वेश्चन है वहीं सबसे पहले आपको खुद करना है जब नहीं आता है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है वीडियो को पॉज कर दीजिए ठीक है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा क्वेश्चन अगर नहीं कराए तो सोल्यूशन देखो सोल्यूशन क्या कह रहा है कि दस रुपये में सात पेन खरीदता है वो ठीक है शुरू में क्या करता है उसकी जेब से जो निकल रहे हैं रुपये वो हैं दस रुपये और दस रुपये में जो पेन खरीद के लेके आए वो है कितने सात पेन अब ये क्या कह रहा है कि उसे 40 प्रतिशत लाभ पे बेच देता है भाई उसकी कीमत कितने की लगी आप पेन को मत देखना उसकी कीमत कितने रुपए लगी तो दस रुपये अब दस रुपये जो है उस पर चालीस प्रतिशत का लाभ हो रहा है यानी एक सौ चालीस बटे शो कर सकते हैं यहाँ से ठीक है ना तो यहाँ से जीरो से जीरो कट गया जीरो से जीरो कट गया यानी वो दस रुपये की चीज़ चौदह रुपये में बेच रहा है ठीक है यानी हम ये कह सकते हैं क्रय मूल्य जो था यानी उसकी लागत मूल्य भी क्रय मूल्य यानी आप समझ सकते हो दस रुपये और अब वो बेच दिया उसने विक्रय मूल्य कितने है सेलिंग प्राइस तो वो है चौदह रुपए दस रुपए की चीज चौदह रुपए में बेच दी तो यानी चालीस प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है वो उसे और यही क्वेश्चन में कह रहा है चालीस प्रतिशत लाभ हो रहा है लेकिन अब कह रहा है कि एक ग्राहक दस रुपए में कितने पेन खरीद सकता है देखो अब चौदह रुपए उसके पास आए लेकिन कितने पेन की वैल्यू है वो चौदह रुपए सात पेन की तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई दो रुपए ठीक है जब चौदह रुपये में बेच रहा है वो तो एक पेन कितने का है तो हम निकालेंगे कैसे टोटल नंबर ऑफ पेन देखेंगे और कितने रुपए में बेच रहा है वो देखेंगे तो चौदह रुपए में सात पेन बेच रहा है तो एक पेन की वैल्यू आ गई दो रुपए सिंपल सा है अब दो रुपए के हिसाब से दस रुपए में कितने पेन खरीद सकता है तो भाई उसके कोई ग्राहक गया तो उसने दस रुपए दिए दो के हिसाब से कितने पेन खरीद पाएगा पाँच और यही आंसर है भाई जब एक पेन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई दो रुपये तो हम बता सकते हैं दस रुपये में कितने पेन खरीदेगा वो तो पाँच पेन खरीदेगा और यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ देखो यहाँ से मैं दोबारा समझा देता हूँ ये कह रहा है कि दस रुपये में सात पेन खरीदता है तो यानी क्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य मतलब भाई उसने अपनी लागत मूल्य जो है यानी उसने शुरू में क्या करता है वो खरीदता है ना खरीदने का मतलब क्या है उसकी जेब से कितने पैसे गए दस रुपये लेकिन वो क्या करता है दस रुपये में सात पेन खरीद लेता है लेकिन उसे आगे अब चालीस प्रतिशत लाभ पे बेचता है चालीस प्रतिशत लाभ पे बेचने का मतलब यह है कि दस रुपए है उस पर चालीस प्रतिशत का प्रॉफिट कमाता है तो चालीस बटा सो दो जीरो से दो जीरो कट गए तो यानी चौदह रुपए वो कमाता है दस रुपए की चीज चौदह रुपए में बेच देता है कहने का मतलब यह है ठीक है ना तो अगर हम दस रुपए का डायरेक्ट चालीस प्रतिशत निकालेंगे तो भी चार निकल के आएगा देखो चार निकल के आ रहा है ना तो यानी चार रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने चार रुपये का तो प्रॉफिट कमाया लेकिन वो टोटल जो अमाउंट है वो कितना है चौदह रुपये ठीक है यानी दस रुपये जो चीज़ थी उसने अपने चौदह बना लिए दस से चौदह कर लिए चार रुपये का प्रॉफिट कमा लिया लेकिन अब वो कह रहा है कि आगे जो कोई ग्राहक आता है उसके पास तो उसे दस रुपये में कितने पेन उससे प्राप्त कर सकता है यानी ले सकता है तो यानी जब सात पेन की वैल्यू जो है वो चौदह रुपये होगी तो एक पेन की वैल्यू कितनी होगी हम काट देंगे दो दो पे जाएगा तो दो पेन सॉरी दो रुपये दो रुपये निकल के आएगी वैल्यू एक पेन की वैल्यू दो रुपए अब कह रहे हैं कि दस रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं दो के हिसाब से निकाल लो पांच पेन ठीक है ना दो प्लस में दो प्लस में दो प्लस में दो प्लस में दो ऐसे तो करोगे तो देखो दस रुपए हो गए और यहां से कितने पेन आए एक दो तीन चार पांच बिल्कुल देसी तरीके से भी निकाल सकते हो ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दस संतरों का विक्रय मूल्य तेरह संतरों के लागत मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको कन्फ्यूज कर देंगे तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों तो आज कैसे सोल्व करने है वो देखो यहां पे दिया गया है दस संतरों का विक्रय मूल्य तेरह संतरों के लागत मूल्य के समान है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत हुआ है यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब उसके शुरू में अपनी जेब से पैसे लगाए थे और बाद में जब वो मतलब बेच रहा है तो उसको हो रहा है लाभ तभी तो लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है तो यानी जो पहले क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो यहां पे दो संख्या दे रखी है दस रुपए और तेरह रुपए तो मूल्य हमें क्या समझना है जो कम वैल्यू है यानी दस रुपए और विक्रय मूल्य वो हमें मान लेनी यहां से तेरह रुपए सिंपल करना है कुछ नहीं करना ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहां पे लाभ प्रतिशत हो रहा है लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम है तभी तो लाभ हुआ क्योंकि जब हम देखो जब क्रय मूल्य है यानी खरीदने वाला मूल्य है वो है दस रुपये और विक्रय मूल्य है यानी बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस वो है तेरह रुपये तो यानी दस में चीज़ खरीदी और तेरह में बेच दी स्कूल में नहीं करते थे हम भाई हम कोई पेन लेके जाते थे पाँच रुपये में खरीद के और किसी दूसरे दोस्त को सुंदर लग गया तो हम क्या करते थे तो भाई दस रुपये का देंगे लेना है तो ले नहीं तो मत ले यानी सीधा सीधा हम सौ प्रतिशत का लाभ कमा लेते थे कैसे देखो पाँच रुपये का पेन हम लेके आते थे दस रुपये में बेच देते थे दोस्त को तो सीधा सीधा सौ प्रतिशत का लाभ कमा लिया कैसे देखो पाँच और हमने बेच दिया दस का किस पे वैल्यू निकलेगी पाँच पे तो निकलेगी देख लो सौ प्रतिशत का लाभ निकल के आ गया ठीक है डबल वैल्यू हमने एक करके बेची ना तो सौ प्रतिशत का लाभ हमने ले लिया लेकिन इस पार्ट को छोड़ो यहाँ पर देखो दस रुपये में हम कोई चीज़ खरीदते हैं तेरह रुपये में बेच देते हैं दस रुपये जो संतरों का विक्रय मूल्य है उसका तेरह संतरों के लागत मूल्य के बराबर है समान है तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में हमें ट्रिक से करना है क्रय मूल्य मान लिया हमने दस रुपये और विक्रय मूल्य तेरह रुपये जो सवाल में दिया है उसके बाद यहाँ पे देखो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस तीन का है और हमें वैल्यू हमेशा निकालनी किस पे क्रय मूल्य पे ठीक है प्रॉफिट किस पे हुआ है क्रय मूल्य पे तो हुआ है दस रुपये पे गुणा में सो कर दो परसेंटेज निकालने के लिए दस से कट जाएगा सो पे एक जीरो से एक जीरो और यहाँ से निकल के आगे तीस तीस प्रतिशत का लाभ हो जाएगा लाभ हो जाएगा तीस प्रतिशत का ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से सोल्व करना है ठीक है जब भी आपको कोई वैल्यू अब देखो अब देखो यहाँ पे अगर हानि दिया होता यहाँ पे अगर यहाँ पे हानि दिया होता क्वेश्चन में ही कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो तो हम ये समझ लेते कि कहीं ना कहीं जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है विक्रय मूल्य से क्योंकि विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य कम है इसी वजह से तो हानि हुई तो जब हम क्या करते क्रय मूल्य ज़्यादा मान लेते विक्रय मूल्य कम मान लेते जो क्वेश्चन में दिया होता ठीक तो है तो ये ध्यान कर लेना है तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा तीस प्रतिशत चलो नेक्स्ट देखिए सलीम को भारी बारिश के कारण सत्तावन सौ पचास रुपए के पूरे सामान को पैंतालीस रुपए में बेचना पड़ा तो उसे हानि प्रतिशत कितनी हुई बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और टेंथ एट्थ क्लास में ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिले थे लेकिन यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो हम आराम से कर देंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली देखो यहां पर करे मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस जेब से कितने पैसे लगे सतावन सौ पचास उसने ठेला लगा लिया कोई अब बारिश पड़ गई ठीक है बारिश आ गई खराब हो गई सब्जियाँ लेकिन बारिश की वजह से भाई आगे और खराब ना हो जाए तो उसे लॉस में बेचना पड़ा तो जो विक्रम उलह यानी कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस तो वो कितना है पैंतालीस सौ रुपये ठीक है सेलिंग प्राइस है पैंतालीस सौ यानी सत्तावन सौ पचास रुपये की चीज़ थी कोई भी टोटल वैल्यू लेकिन उसे बेचना पड़ा पैंतालीस सौ रुपये में आगे मौसम को देखते हुए तो उसे हानि प्रतिशत कितना हुआ इन दोनों का डिफरेंस निकालना है भाई सतावन सौ पचास में से माइनस कर देंगे पैंतालीस सौ को जीरो पाँच हो गया यहाँ पे दो बच गया और यहाँ पे बच गया एक यानी बारह सौ पचास का लॉस हुआ उसे बारह सौ पचास रुपये का किस पे हुआ क्रय मूल्य पे यानी सतावन सौ पचास पर गुणा में कर दो सो परसेंटेज निकालने के लिए जब भी आप परसेंटेज या जब भी लाभ हानि निकालेंगे परसेंटेज में तो आपको क्या करना है क्रय मूल्य जो है ना कॉस्ट प्राइस वो आपको नीचे रखना है क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है तो हानि कितने की हुई 1250 की कितने पे हुई सतावन पे गुना में परसेंटेज के लिए गुना सो कर दो जीरो से ज़ीरो कट गया यहाँ से 25 से कटेगा हाँ बिल्कुल कटेगा तो काट के देखो पच्चीस पंजा एक सौ यहाँ से कट गया पच्चीस दुनी पचास और पच्चीस पचहत्तर तेईस आ गया तो ऊपर बच गया सौ गुना में पाँच पाँच सौ और यहाँ पर तेईस तेईस से भाग दे दो तो यहाँ पर शुरू में गया तेईस दूनी छियालीस ठीक है और छियालीस जैसे पाँच करेंगे तो छियालीस और चालीस तो तेईस दूनी छियालीस तो जाएगा नहीं तेईस से तेईस तो यानी इक्कीस पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि और बाकी में ऑप्शन में इक्कीस है ही नहीं तो आप देख के डायरेक्टली कर लेना इसको सोल्व ठीक है इक्कीस पॉइंट सात कुछ आएगा तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इक्कीस पॉइंट सात चार परसेंट ठीक है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे आपके लिए आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको आप मेरे को मैसेज करके जरूर बताना और जो भी आगे क्लासेस होने वाली हैं उनके जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं कई दिनों से तबियत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आया था लेकिन अभी आपको रेगुलर न्यूमेरिकल एबिलिटी या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ होंगी जल्दी आपको अपने uh, इस अप्लीकेशन पर मिलने वाली हैं थैंक यू सो मच